वो ऑलरेडी मार्केट में एक्सिस्ट करता था बट ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में न्यू पैकेजिंग के साथ में लेकमे ने दोबारा से लॉन्च किया है ये जो प्रोडक्ट है वो एस पी एफ थर्टी पी ए प्लस प्लस के साथ में आता है इसमें नाइसेना माइड है लेमन ग्रास है

प्लस प्लस है जो एप पी एफ थर्टी है वो नाइनटी सेवन परसेंट हार्मफुल रेस को आपके स्किन में जाने से रोकता है आपको प्रोटेक्ट करता है यूवी वी रेस से एंड जो पीए प्लस प्लस है वो आपको जो डार्क स्पॉट प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है स्किन डार्क हो जाती है पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स ब्लैमिशीज ये सब जो है वो सन रेज से ही होता है तो इससे ये प्रोटेक्ट करता है कि आपके फेस पे वो ना हो और जो अगर आपके फेस पे है तो उसको रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि इसमें पी प्लस प्लस है एंड विटामिन सी है नाइसिना नाइसिनामाइड है वो आपके स्किन को क्लियर करता है आपके कम्प्लेक्शन को भी हेल्प करता है कम्पलेक्शन आपका वो थोड़ा लाइट हो जाता है इसको यूज करने से अगर आप रेगुलर यूज करते हो एंड ये जो है आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है नाइसिनामाइड आपको पिंपल्स ना आने में भी हेल्प करता है एंड मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कोकम्बर है लेमन ग्रास है विटामिन बी थ्री है नाइसना है जो आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों को अच्छे से रिड्यूस करने में और आपकी स्किन को सपल स्मूथ एंड आपकी स्किन टोन को लाइट करने में और सन से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देगा ट्यूब तो पैकेजिंग है इसकी चलिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं इस तरह के ट्यूब पैकेजिंग में से ये देखिए इसकी क्रीम लाइक -like कंसिस्टेंसी है जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ सी है इसलिए मैं रिमूव कर लेती हूँ देखते हैं ये कितनी देर में मर्ज हो जाएगा मैं बहुत अच्छे से इसको ऐसे मसाज करके अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा वाइट कास्ट तो मुझे इसमें दिख रहा है क्योंकि हैंड पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाइट कास्ट दे रहा है बट ये जो वाइट कास्ट है वो लिटरली से पंद्रह मिनट में वैनिश हो जाता है स्किन से थोड़ी देर ही टिकता है आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मेरे हैंड की स्किन में ये मर्ज हो चुका है थोड़ा सा वाइट कास्ट जो लग रहा है ये दस पंद्रह मिनट में अपने आप ही मर्ज हो जाएगा वैनिश हो जाएगा फील की बात करो तो इसके ऊपर मैंशन है कि ये सुपर मैट है लुक में थोड़ा सा तो ये मॉइस्चराइजिंग लग रहा है मुझे आपके हाथ में भी आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये मॉइस्चराइजिंग है ऐसे सुपर मैट जैसे लिख रखा है ना वैसे बिल्कुल सुपर मैट तो नहीं है मैं आपको इसको फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी टच करने में हाइड्रेशन फील हो रहा है यस ये, ये और सनस्क्रीन के जैसे जैसे बहुत ज्यादा ऑयलीनेस होती है सनस्क्रीन में वैसा नहीं है अभी आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल स्किन टोन है वो मेरा नेचुरल होने लगा है अभी से ऑक्सीडाइज हो रहा है ये वाइट टोन इसका बिल्कुल चला जाएगा जो दस से पंद्रह मिनट में आप देख सकते हो तो चलिए फेस पे अप्लाई करते हैं और इस सनस्क्रीन की मैं अपने हैंड पे कॉइन साइज़ अमाउंट ले रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट भी सनस्क्रीन की लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट लगाने से भी फेस ग्रीजीनेस हो जाता तो उसमें प्रोडक्ट का कोई भी कसूर नहीं होता है आप क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं वो थ्री फिंगल वाला रूल जो है मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लगाना चाहिए देखिए इतना क्वांटिटी मुझे सफिशियंट लग रहा है मैं फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ कि इसका वाइट कास्ट और एप्लीकेशन कैसी है अगर आप लोग ज़्यादा भी लगाते हो तो ओके एंड देखिए मैं अपने फेस पर मर्ज कर रही हूँ वाइट कास्ट अभी आपको मेरे फेस पर दिख रहा है बट ये जो वाइट कास्ट है वो स्किन में सनस्क्रीन मर्ज होने के बाद एकदम से वेनिश हो जाएगा फिर नहीं दिखाने देगा हल्का सा ब्राइटनेस आएगा वो भी दस पंद्रह मिनट ही रुकता है उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है आप देख सकते हैं मेरे फेस पे इस वक्त ये अच्छे से बिल्कुल टोन लग लग रहा है, भी लग रहा है है भी बट दस मिनट में ये वाइट कास्ट भी बिल्कुल वैनिश हो जाता है जो थोड़ा बहुत भी है तो अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर माय दिस वीडियो कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलती हूँ मैं एक और नए प्रोडक्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय